दिस इज नॉइज एयर वेव अ न्यूली लॉन्च ब्लूटूथ नेक बैंड फ्रॉम नॉइज एंड काफी बजट प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था ओनली 999 रुपीज। अगर आप इसे लेने के लिए सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। आज हम करेंगे इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्विकली कर लेते हैं भाई अनबॉक्सिंग। तो भाई बॉक्स काफी शानदार व्हाइट कलर के पैकेजिंग में आता है एंड सबसे पहले आपको नेक बैंड ही देखने के लिए मिलेगा एंड और एक एक्सेसरीज का पाउच। यहाँ पर है चार्जिंग केबल विच इज टाइप सी, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स एंड इसके साथ कुछ सारे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा लाइक स्टिकर्स, वारंटी कार्ड एंड एक यूजर गाइड। एंड ए है नेक बैंड एंड जो क्वालिटी है प्लास्टिक का थोड़ा सा मेरे को एवरेज लगा, थोड़ा सा बल्की भी है बट हल्का है, बट ये ऊपर वाला पोर्शन का क्वालिटी सही दिया गया है, आप ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो। एंड ए राइट वाले साइड में सारे बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन दिया गया है, एक मिडिल फंक्शन बटन है एंड मोड चेंज करने का एक बटन दिया गया है। एंड यहाँ पर है टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट जिसे आप इसे चार्ज कर सकते हो एंड लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, बस ब्रांडिंग एंड कुछ सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है। बाकी डिजाइन वाइज भाई बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस साइड भी सिमिलर है एंड वायर इसके अंदर से निकलता है। इसे पावर ऑन करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड यहाँ पर LED ग्लो होता नजर आएगा। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, जब पेयरिंग मोड पे रहेगा ऐसे ब्लू एंड रेड LED ग्लो होगा एंड इसको पेयर करने के लिए आपको सीधा आ जाना है आपके ब्लूटूथ सेक्शन में एंड यहाँ पर नीचे की तरफ डिवाइस सर्च कर लेना है। यहाँ पर एयरवेव मिल जाएगा, जस्ट क्लिक टू पेयर इट एंड पेयर का ऑप्शन आ जाएगा एंड ये इजीली कनेक्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसमें SBC के साथ साथ भाई AAC कोडेक का भी सपोर्ट है। इस प्राइस पॉइंट में भाई AAC कोडेक मिल रहा है व्हिच इज डेफिनेटली अ गुड थिंग। एंड मैग्नेटिक है, ऐसे कनेक्ट हो जाता है दोनों आपस में, कोई फंक्शंस नहीं है, ऐसे सपोर्ट के लिए है ताकि ये आपके गले से निकल ना जाए। ओके सो लेट्स ट्राई दिस आउट। काफी साइज से फिटिंग हो गया है, बाहर के साउंड काफी हद तक कम हो गया है फिटिंग के वजह से ओनली। यहाँ पर ANC वगैरह कुछ है नहीं, ANC है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन बट वो ओनली कॉलिंग के टाइम काम आता है, जब मैं कॉलिंग टेस्ट करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ओके सो लेट्स प्ले सम म्यूजिक। तो अगर साउंड की बात करें तो कुछ इस तरीके का साउंड है, साउंड लीकेज नहीं होता। ओके सो मैं इसे काफी टाइम तक ट्राई किया, अगर बात करें साउंड क्वालिटी का तो भाई मेरे को उतना भी अच्छे खासा साउंड क्वालिटी यहाँ पर मिला नहीं, बहुत ही लाउड यहाँ पर बेस है, बहुत ही बूमी बेस मिल रहा था, उसी हिसाब से क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। 3 इक्वलाइजर मोड यहाँ पर दिया गया है, ट्रू बेस, ट्रू वोकल एंड ट्रू बैलेंस एंड भाई तीनों ही मोड पर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस में मेरे को उतना भी अच्छा खासा म्यूजिक यहाँ पर मिला नहीं एंड ट्रू बेस मोड पर तो भाई बहुत ही बूमी बेस मिलता है। तो अगर आप बीट वाले म्यूजिक यानी बेस वाले म्यूजिक ज्यादा पसंद करते हो तो शायद आपको अच्छा लग सकता है, बट अगर आप म्यूजिक लवर हो, क्वालिटी का म्यूजिक सुनना है, क्लैरिटी चाहिए, थोड़ा सा मूवी वगैरह ज्यादा वॉच करते हो तो शायद ये हेडफोन आपके लिए सही नहीं रहेगा, बिकॉज ओनली फॉर द क्लैरिटी इशू एंड जो सेपरेशन है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का वो भी नहीं मिल रहा था। तो मैं इसे एवरेज बोलूंगा साउंड क्वालिटी के हिसाब से। अगर लाउडनेस की बात करें तो भाई काफी लाउड है, 10mm के ड्राइवर है, काफी पावरफुल यहाँ पर बेस प्रोवाइड करता है, ये काम करता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 में, तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं मिलने वाला है। एंड ये सारे मल्टीफंक्शन बटन है, इससे आप बहुत सारे चीजें कंट्रोल कर सकते हो। प्ले पॉज करने के लिए सिंगल प्रेस करना है मिडिल फंक्शन बटन को, प्रीवियस ट्रैक प्ले करने के लिए माइनस को प्रेस करके रखना है लॉन्ग प्रेस, नेक्स्ट ट्रैक प्ले करने के लिए प्लस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, प्लस माइनस से वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हो। कॉल आंसर करने के लिए मिडिल वाले बटन को सिंगल प्रेस करना है, कॉल रिजेक्ट करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है मिडिल वाले बटन को, वॉइस असिस्टेंट भी है, 3 टाइम अगर आप मिडिल वाले बटन को प्रेस कर रहे हो तो भाई वॉइस असिस्टेंट यहाँ पर ऑन हो जाएगा। गेम मोड भी है, यहाँ पर डेडिकेटेड गेम मोड दिए गए हैं, गेम मोड में एंटर करने के लिए एम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो आप गेम मोड में एंटर कर सकते हो एंड सिमिलरली आप गेम मोड से बाहर भी आ सकते हो। एंड इक्वलाइजर मोड पे टॉगल करने के लिए आपको एम बटन को सिंगल बार प्रेस करना है एंड इसे आपको अगर रीसेट करना पड़े तो मोड बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रखना है 8 सेकंड तक, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो फीचर्स के मामले में और एक चीज मेरे को सबसे अच्छा लगा वो है डुअल डिवाइस पेयरिंग, ये एक साथ 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है, सो आपके 2 सेलफोन या फिर 1 सेलफोन एक लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करके रख सकते हो। अगर आप मीडिया कंज्यूम कर रहे हो एक डिवाइस पे दूसरे डिवाइस पे कॉल आ जाए तो ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है। डुअल डिवाइस पेयर करना बहुत ही आसान है, एक डिवाइस पे पहले कनेक्ट कर लेना, देन उस डिवाइस का ब्लूटूथ बंद कर देना, देन दूसरे डिवाइस पे एक न्यू डिवाइस सर्च कर लेना एंड कनेक्ट कर लेना, देन पहले वाले डिवाइस के जब ब्लूटूथ ऑन करोगे तो दोनों डिवाइस के साथ एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको गेम लेटेंसी भी दिखा देता हूं। तो ये है नॉर्मल मोड विद AAC कोडेक एंड अगर आपको सबसे कम लेटेंसी चाहिए तो यहाँ पर गेम मोड भी है, SBC कोडेक पे अगर आप गेम प्ले करोगे तो सबसे कम लेटेंसी मिलने वाला है। तो मैं एक बार गेम मोड पे SBC कोडेक में दिखा देता हूं, तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे गेमिंग कर सकते हो। तो भाई अभी मैं हूँ आउटडोर में, देख सकते हो मेरे पीछे रोड है, काफी ज्यादा नॉइज है यहाँ पर एंड अभी जो आपको साउंड आ रहा है डायरेक्ट मेरे नेक बैंड से आ रहा है एंड इसमें दिया गया ENC, ENC मतलब एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन
जो कि आउटसाइड नॉइज को बहुत ज्यादा कैंसल आउट कर देता है। कॉलिंग के टाइम यानी जो भी आपके साथ कॉल पे रहेगा उसको आपके साउंड बहुत क्लियर सुनाई देगा, इवन इफ यू आर इन नॉइजी एनवायरमेंट। तो कुछ इस तरीके का होने वाला है कॉल क्वालिटी। बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, 50 आवर्स के यहाँ पर प्लेबैक टाइम मिल जाता है। अगर आप 100% वॉल्यूम में भी सुनते हो तो 30 टू 40 आवर्स तो चल ही जाएगा, व्हिच इज ह्यूज। एंड 200 आवर्स के यहाँ पर स्टैंड बाय टाइम मिलता है। काफी सारे फीचर्स मेरे को अच्छे लगे, जैसे डुअल डिवाइस पेयरिंग एंड ऑल्सो एएसआई कोडेक भी मिलता है। बट साउंड क्वालिटी मेरे को बहुत ही एवरेज लगा। आप अगर बीट वाले भोजपुर म्यूजिक सुनते हो तो ले सकते हो। ऑल्सो IPX5 का रेटिंग है, सो बारिश एंड पसीने से भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज गेमिंग के लिए ले सकते हो। बाकी कॉल क्वालिटी मेरे को काफी अच्छा लगा, सो अगर आपको कॉलिंग वगैरह करना है तो इसे आप ले सकते हो। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। इतना ही था इस वाले वीडियो में, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो।